गाइज हम लोग अभी जहाँ जा रहे हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैंने ये वाला सूट पहना, फिर मैंने ये पहना, और एक मैं ऑलरेडी ऐसे पहन कर खड़ी हूँ पर ये मुझे लूज है तो, और अब मैं ये थर्ड वन पहन रही हूँ और मैं थक गई प्रेस करके, तो साहिल ने बोला मैं कोई नहीं हेल्प कर देता हूँ, और देखो ऑलरेडी मेरे इस पे ना प्रेस हो ही पड़ी है, पर इनको ये दिखाना है कि मैं सही करके दे रहा हूँ। अब यार मैं ये थर्ड टाइम अब ये चेंज करके देखूंगी, और इसका ये प्लाजो है यार, साहिल मुझे अभी इसको भी सही करना है, फिर पहनते हो देखते हो, ये मुझे पता है। अभी चेंज कर लेती हूँ। आपको नाम नहीं हो रहा इसके लिए, अभी इसको सिर्फ अपनी आइसक्रीम चाहिए और कुछ नहीं। तो वो भी खा रहा है मैंगो आम रस, आलू पराठा देखना यार, प्याज डलेगी इसमें, कैरेज कम होगा, कैप्सिकम कम होगा। जो सैंडविच बनाओगे ना उसमें क्या होगा, कोल्ड कॉफी हो जाएगी, कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम कर देना, दो नहीं एक विदाउट आइसक्रीम। आप ग्रिल सैंडविच खाओगे, आप क्या खाने वाले, मैं ही खा रही हूं, आप पियोगे, इनके लिए भी एक पराठा बोलना कोल्ड दही के साथ। Hello guys, welcome back to my channel. I am your Shilpa Chaudhary and I hope you all are doing well and staying safe. ये मेरा welcome third time हो रहा है, क्योंकि जो मैंने पहले video बनाई थी वो घर से निकलने की तभी शुरू कर दी थी, पर वो इतनी blur थी, इतनी blur कि मैं 8 मिनट का vlog बना चुकी हूँ पर वो पूरा blur है। तो अब वही था कि हम कहाँ रुके, क्या क्या किया, कब निकले, सुबह के 5 बजे हम घर से चले थे, इट हम इसलिए हो गया, हमारी प्लानिंग थी कि हम 3 o'clock निकले, लेकिन काजल को आउटफिट नहीं समझ आ रही थी, और मुझसे 3 सूट चेंज करे हैं, मतलब मुझे मिल ही नहीं रहे थे यार सूट, फिर मैंने फाइनली ये वाला पहना। तो अच्छे लग रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बता दूँ, वैसे दोबारा से रिपीट करना पड़ रहा है सब कुछ, तो हम जा रहे हैं बालाजी। बालाजी कहाँ पर है, मेहंदीपुर में। तो साहिल हमेशा वहाँ जाते थे लेकिन मैं कभी नहीं गई हूँ, मेरा ये फर्स्ट टाइम है, और बालाजी का नाम आते ही मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा डर लगने लगता है, मैंने वहाँ की बहुत ऐसी वीडियोस देखी हैं और लाइक बहुत कुछ सुना है कि किसी को भी कुछ नेगेटिव लाइक चीज़ें होती हैं किसी के ऊपर तो बालाजी जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो वीडियोज़ यूट्यूब पर लोगों ने बनाकर डाली हुई है ना वहाँ की, वो बहुत लाइक मतलब वो एक्सपीरियंस मैं लाइफ में कभी लेना नहीं चाहती, मैं उनको देख भी नहीं पाऊंगी। मेरा और काजल का क्या रहता है ना, हम लोग मतलब पहले जब मैं मेरी शादी नहीं होती उससे पहले मैं और काजल साथ सोते थे, तो अगर रात को सोते सोते मैं काजल की तरफ ऐसे देख के स्माइल कर दूँ ना तो काजल डर के भाग जाती थी, तो मतलब मैं और काजल बहुत डरपोक है, एक नंबर के डर। हाँ मैं हूँ यार, मैं बहुत हूँ गाइस। तो अभी हम एक कैफे में आए हैं क्योंकि हमें भूख लग गई थी, तो जो खाते पीती हूँ ना वो दिखाती हूँ आपको, पहले बैठ जाती हूँ। कोल्ड कॉफी पीनी आपने, ये मैंने आप ही के लिए मंगाई है। नहीं नहीं कोई नहीं, तो हमने को नहीं आप ही के लिए मंगाई है, मैं नहीं पीने वाली हूँ, मैंने तो अपना पराठा और कर्ड मंगाई है। सेम बात का डेजा हुआ, मुझे डर लग रहा है गाइस, सबको कुछ कुछ हो रहा है इसको, अभी मतलब ये बात मेरे को ऐसा लगा कि मैंने सुनी हुई है पहले भी। हाँ कई बार हो जाता है, कई बार हो जाता है, मुझे होता है मतलब अभी हमारे को लगता है चलो कई बार हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है कई बार, मेरे तो काफी टाइम होता है ऐसा सबके साथ होता है। और ये कॉफी वाली बात ही है, मैंने तभी एकदम से रिएक्ट करा कि भाई मेरे को डेजा हो गया एकदम से कि भाई आपने यही बात बोली थी साहिल भाई को। तो जब से हम घर से निकले हैं ना गाइस, मैं आपको सच बताऊंगी मतलब ऑटोमेटिकली ना अंदर से एक हार्ट बीट तेज हो रही है, और पता नहीं क्यों डर लग रहा है। क्यों वहाँ साहिल मुझे हमेशा यही समझाते हैं, मतलब कि मैं इतना वहाँ गया हूँ, ये अपने ब्रदर के साथ बहुत जाते थे वहाँ पे, विवेक के साथ भी गए हैं, विवेक भी होकर आया था, पर मैं और काजल कभी भी नहीं गए, इवन मुझे लगता है जैगो भी कभी नहीं गए। नहीं आप तीनों फर्स्ट टाइम है। हाँ मुझे भी एकदम से डेजा हुआ अभी तेरी बात का, जब तूने कहा ना ऑटोमेटिकली, तो बचपन वाला जो क्या था ऑटोमेटिकली, तो मतलब अभी वही चीजें हम डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग, वो तो सबके एक्सपीरियंसेस ना सबके व्लॉग्स में ही आपको पता लगेगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक अलग होने वाला, पर साहिल मतलब बहुत मानते हैं और हमेशा मतलब बताते थे मुझे कि मैं अपने ब्रदर के साथ हर महीने या लाइक 2 महीने में बालाजी जाते ही जाता था, तो अभी इनका मन हुआ और ये हमें कम से कम कितने कितने साल से कन्विंस कर रहे हैं बालाजी के लिए, 2 ईयर्स से, लेकिन हमेशा मैं पीछे हट जाता और मेरे को अकेला जाना नहीं था और साहिल को अकेला जाना नहीं था पहले, साहिल को अकेले डर लगता ये चला मतलब
इन्होंने इस बार ये बोला था कि मैं मतलब मेरे साथ ही जाएंगे ये, तो मैंने बहुत ऐसी हिम्मत की, मैंने मम्मा लोगों से बोला कि यार मैं ऐसी जगह जाने के लिए मना करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि भगवान जी के दर्शन करना कोई बुरी बात पर नहीं। आप इतने डरते क्यों? यार बालाजी का ना एक्सपीरियंस बहुत, आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है क्या? अभी शेयर करूंगी, पहले कुछ खा पी लेती हूँ, फिर आप लोगों को भी बताऊंगी। ठीक है। और वो फिर भी हमारे साथ आया, अभी आपने देखा मैंगो आइसक्रीम खाकर गया, अभी थोड़ी देर भैया उसको बाहर घुमा रहे हैं, फिर मतलब दिखाती हूँ बाकी सब कुछ क्या क्या हुआ। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्या क्या होने वाला है। साहिल ने मंगाया है अपना ग्रिल सैंडविच और इसका साइज देखकर लग रहा है ये बहुत बिग है ना? तुम शेयर कर लेना ना सब। मैंने एक बार नहीं, हम सब ने बहुत कुछ मंगाया है मैडम। लगा कि कम पड़ जाएगा। अच्छा इसने पता है साहिल क्या क्या मंगाया है? पता है आपको, मैंने आज तक इन दो जैसे भुक्कड़ कभी नहीं देखे। पता है क्या होता है इनका, तुम ऑर्डर कर लो, तुम ऑर्डर कर लो, फिर बैठ के अच्छा हमारा ये भी था, 10 चीजें मंगा ली, सब कुछ पैक भी कराते हैं। पर आपको पता है विजय और काजल ने क्या क्या मंगाया है? ये कोल्ड कॉफी और पैटी तो खा ही रहे हैं, है ना? इसके बाद इनके स्प्रिंग रोल आ रहे हैं, फिर हक्का नूडल्स आ रही है, उसके बाद इनके सैंडविचेस आ रहे हैं, फिर इन्होंने पता है वेज मोमोज भी मंगाए, पराठा भी मंगाया, दही भी मंगाया। मतलब अब इनको ये लग रहा है जब से आपने बोला ना आगे कुछ नहीं मिलेगा, तो जैगो ने और काजल ने डिसाइड किया यहीं से खा लो। हाँ टेस्टी है, चलो आप भी टेस्ट करके बताओ, आप खाकर बताओ कैसा है। टेस्टी, चलो ये लो एंजॉय करो। मुझे लगा आपने शॉर्ट्स पहनी नहीं, मैं एकदम से घबरा गई अभी। ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हो। मैं मैदा नहीं खाती ना, मैं हेल्दी खाती। चुप हो जा काजल। शिल्पा ने मंगाई है भाई पहली बार। मैंने हक्का नूडल्स बोला था, बट तूने चाउमीन बोल दिया। लेकिन यार हक्का नूडल्स का कलर ना बहुत लाइट होता है और मसाले नहीं होते, चाउमीन का जो तड़का, तो फिर तो होने वाला है। So guys, अभी मैं खाकर बताती हूँ ये चौमिन है कैसी। मुफी सिंह आ रहे हैं। स्पाइसी, बहुत चटपटी, मैं नहीं खा सकती, मुझे तो स्पाइसी नूडल चैलेंज हो रहा है इधर तो मेरा। अब आया है गाइज आलू प्याज का पराठा और ये पिकल, बट ये किसी ने नहीं खाई है, ये इस लड़की ने मंगाई थी और अब खुद भी बैठी है और एक घंटे से देखियो जैगो कितने सूट सिल दिए इसने। चार पांच। आपको क्या खाना है? अब वूफी को दिखाते हो ये एक ही जगह क्यों रुका हुआ है। सिक्योरिटी पूरी है वूफी की, बाहर जाने की ट्राई कर रहा है ना वूफी, पर बेटा बाहर नहीं जाना है ना। अभी आपके लिए बनाना शेक बना रहे हैं। कौन बना रहा है? भैया बना रहे हैं। इसको पता है क्या क्या दिख रहा है काजल? ग्रास। उसको खाने का ट्राई कर रहा है। सो मैं पहले साहिल को टेस्ट कराती हूँ ये, क्योंकि वैसे तो साहिल पराठा खाएंगे नहीं। हल्का सा पिकल और ये कर। मसाला है यार, वैसे उन्होंने अपनी जान से तो स्टफिंग स्ट्रॉन्ग, मतलब हम नहीं खाते ना स्पाइसी, हम खाते नहीं। चलो कोई नहीं, अब मतलब स्पाइसी नहीं, तेरे को पसंद आएगा, तेरे को पसंद आएगा, अच्छा है। गाइस वूफी ने शहनशाह बनने की हदें पार कर दी है, खुद से नहीं खाता, पता नहीं क्या इसको अब आदत पड़ गई, इंजेक्शन से खिलाना पड़ता है। ये बनाना शेक इसे पसंद नहीं है ना, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थैंक यू गाइस, तुमने पूरी बात कवर कर दी, मुझे नहीं पता था कि पता लग जाए कि ऐसे क्यों पिला रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने इंजेक्शन से बोला पिला। बिल्कुल सही बात। चलता रहना चाहिए। साहिल ने अपना खाना छोड़ दिया, इसको पहले खिला रहे क्योंकि हमें इसकी टेंशन है, फिर ये खाएगा नहीं, नौटंकी दिखाएगा गाइस। मेडिसिन का टाइम होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है। आम रस मिली है, वो नहीं मिली। आप खाओगे? इन्वेंटर से सर नहीं चल पाएगा।
क्या नेम है आपके कैफे का? वन ड्रीम कैफे। सो गाइज हम यहाँ आए थे और बहुत ही अच्छा खाना था, जैगो को तो बहुत पसंद आया। चलो थैंक यू सो मच भैया। सो गाइज अभी टाइम हुआ है 9:00 और हमें अभी यहाँ से 3 घंटे लगेंगे पूरे, लेकिन हमने ब्रेकफास्ट करना था और हमने लंच भी कर लिया है, डिनर भी कर लिया है, आइसक्रीम भी खा ली है। मतलब अब पूरे रास्ते हम कुछ भी नहीं बोलने वाले हैं साहिल को कि हमें भूख लगी है, अभी और आधे घंटे फिर भूख लगेगी। मैं वैसे थोड़ा बहुत सामान पैक करा के ले आई हूँ उनसे, पैक भी तो करा लिया है। वो कहाँ पे है जयगो जो हमने चाउमीन और वो सब पैक कराया था और तेरा सैंडविच छोड़ा है तुमने, वहीं रह गया है। पानी इसकी वूफी वाली उठा ली थी साहिल आपने? वूफी बोतल में निकाली नहीं, निकाली नहीं थी। वूफी की पहली एक बोतल तो हम खो चुके थे जो हमें जयगो ने गिफ्ट की थी वूफी के लिए, वो बड़ी अच्छी थी यार, पर वैसी नहीं मिली, पिंक कलर में दूसरी मिल गई। और मेन बात की यार, तब से मैं और काजल और जयगो ये डिस्कस कर रहे थे कि सबको डर लग रहा है, लेकिन अभी थोड़े स्ट्रांग हो रहे हैं जैसे जैसे पास जा रहे हैं। ऐसा गलत फहमी है, आपने वो नहीं बताया कि आप इतना क्यों डर रहे हैं। हाँ मेन चीज मैं बता देती हूं, और मम्मी ने कहा है कि सारे बिल्कुल एक साथ रहना, भीड़ होती है वहाँ पे, उन्होंने काफी वीडियो देखे, उधर मत जाना। ठीक है तो बस गाइज मेरा थोड़ा सा यही एक्सपीरियंस है बालाजी को लेकर, कि मैंने आज तक मतलब भगवान जी वाली चीज को अलग रख के जो दूसरी चीजें हैं, कि वहाँ पे जितनी भी स्टोरीज सुनी है वो काफी हॉरर लगती है यार, तो मैं नहीं देखना चाहती वो हॉरर वाली चीजें, तो बस इसीलिए मैं वहाँ पे ना जाने से डरती हूँ। और प्लस कि अब रिलेटिव में एक मामा जी हैं, उनके बेटे को क्या हुआ था कि कुछ ऐसा ही नेगेटिव चीजें उनके ऊपर आ गई थी, वो कब पता लगा जब उनको बालाजी लेकर गए, क्योंकि वो घर पे ही ना ऐसी ऐसी हरकतें करते थे, अपने आप को मारते थे, हाथों को बहुत तेज तेज दीवार में मारते थे, उनके हाथ भी टूट गए थे, यहाँ की बोन सारी टूट गई थी, वो मैंने खुद लाइव देखा है उनको। तो डॉक्टर वगैरह के पास ले जाते थे वो, तो खैर अपने हिसाब से वो कहाँ इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, लेकिन किसी ने उनको सजेस्ट किया कि आप लोग बालाजी लेकर जाओ, उनको बालाजी लेकर गए तो वहाँ पर वो मतलब जिनको भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो वहाँ जाकर अजीब अजीब वो हरकतें करते हैं, मतलब जो भी होता है, तो वो वहाँ से ठीक होकर आए थे। बट उन भैया से मुझे बड़ा डर लगता है और इसीलिए बालाजी से भी मुझे बहुत डर लगता है, बालाजी भगवान जी से नहीं उन चीज़ों से, कि अगर मैंने देख लिया ना तो काफ़ी डेज तक पता है क्या रहता है यार, जयगो काजल और साहिल वो माइंड से नहीं निकलेगा। और घर पे अगर हम अकेले होंगे और वो सब चीजें याद आएंगी, ध्यान आएगी ना, ऑटोमेटिकली आप इतने डरोगे, मैं तो वैसे ही डरती हूँ। और मैं तो ये जिम जाते हैं ना, वूफी अभी हमारे घर पे होता है, आप मानोगे नहीं, मैं अगर मैं जागी हुई हूँ ना तो मैं साहिल को ये बोल देती हूँ मत जाओ, हुआ है ना कितनी बार, क्योंकि अगर ये हॉरर मूवी भी देख रहे होते हैं ना मैं डर जाती हूँ। तो बस यही एक छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनकी वजह से मैं बालाजी जाने से बहुत लाइक डरती हूँ। तो अभी पहुँचेंगे जैसे ही वहाँ, फिर आपको दिखाती हूँ, तब तक रास्ते में जो जो होता रहेगा वो आप देखते रहो। शाना का तो नींद आ रही है भाई, नींद तो आ ही रही है पर सोना नहीं चाहती। फाइनली पहुँच गए हम, ये देखो एंट्री ले लेते हैं। फाइनली बालाजी हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पार्किंग में हमने गाड़ी को अपना पार्क किया है, यहीं पास में कोई वेदांता होटल बताया है, तो साहिल अभी थोड़ा सा देख रहे हैं कि रोफी को कहाँ पर आराम से बैठाया जा सकता है, तब तक हम लोग दर्शन करने जाएंगे। तो काजल अभी मुझे थोड़ा सा डरा रही थी, लेकिन ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी, इसके बाद जो आगे मैं कैसे अभी दर्शन के लिए जाऊँगी वो आप कल के ब्लॉग में देखना। तो अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में। एक्चुअली मैं सो गई थी आते टाइम, तो मेरी यहीं आते ही आँख खुली है, तो मिलते हैं कल, टिल देन बाय, टेक केयर, बाय बाय।